कि 60-40 नियोजन नीति के विरोध में आगामी 8 अप्रैल 2023 को यही 5 लाख नौकरी आपका कहाँ गया, तो आवास घेराव और 10 तारीख को जो है ऐतिहासिक होने जा रहा है, पूरा झारखंड बंद, सभी पार्टी का झंडा फेंक करके इस बार जो है माटी का लड़ाई 10 तारीख का जो झारखंड बंद है ऐतिहासिक युद्ध में हम लोग झारखंड के युवा जो एक हैं। और जिस तरह से अभी मनोज भैया ने बताया, देवेंद्र जी ने बताया और तमाम छात्र नेताओं ने बताया है, और 2400 जिला से हम लोगों को बराबर लगातार हम लोगों को संदेश आ रहा था कि लगातार जल्दी आंदोलन करवाइए, क्योंकि जितनी नियुक्तियां हैं वो आ जाएगा, उसके बाद हम लोग यदि आंदोलन करेंगे तो क्या होगा, जल्दी कीजिए। लगातार 2400 जिला से आ रहा था, तो हम लोगों ने 10 तारीख को विधानसभा जो है ये आपका 8 तारीख को मुख्यमंत्री आवास घेराव और 10 तारीख को जो है ऐतिहासिक होने जा रहा है, पूरा झारखंड बंद, झारखंड में जो नाकेबंदी होगा और वो है सभी 2400 जिला में होगा, और इसके लिए हम लोग समय समय पर आप मीडिया बंधु के माध्यम से ये संकेत देते रहेंगे कि 24 जिला में कहां कहां पर नाकेबंदी होगी और कहां कहां पर हमें किस रोड को, किस हाईवे को और किस एनएच को जाम करना है, कहां पर जाम करना है, कैसे रणनीति होगा, ये समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। तो मैं अपील करता हूं और आप तमाम मीडिया बंधु जैसे अभी सवाल किए थे कि आप लोग कहां थे, तो मैं कह रहा हूं जो हुआ सो हुआ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब भी नीति बनाएंगे तो आप हम छात्रों के प्रतिनिधि को जरूर बुलाइए ताकि हम आप लोगों को सुझाव देंगे, नहीं तो आप लोग जो है नीति बनाते हैं और बाद में अफसोस होता है, परेशानी होता है, हमारा 3.5 साल बर्बाद हुआ है, भारत का सबसे अमीर राज्य झारखंड आज गरीबी के कगार में धकेल दिया गया है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा पलायन, सबसे ज्यादा अशिक्षा, सबसे ज्यादा कुपोषण झारखंड में पाया जाता है, तो इसका दोषी कौन है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछना चाहता हूं कि 3.5 साल हो गए आपका, 5 लाख नौकरी आपका कहां गया, तो आपको ये जवाब देना होगा। आप भाग नहीं सकते, जब भी सवाल करते हैं तो बोलते हैं कोरोना का प्रॉब्लम था, कोष का प्रॉब्लम था और केंद्र सरकार का दबाव था, तो आप बहाना, अभी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं तो बीजेपी का कह देते हैं, कभी आंसू का कह देते हैं, तो मैं आंसू बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम सभी ने बारी बारी से झारखंड को ठगा है और कंगाल बना दिया है, मैं सबको इसका बराबर का दोषी मानता हूं, इसलिए झारखंड के युवा सभी पार्टी का झंडा फेंक करके इस बार जो है माटी का लड़ाई में आगे आएंगे, इस बार नहीं आए साथियों तो चुक जाएंगे, और सिर्फ स्टूडेंट को नहीं बोल रहा हूं, तमाम संगठन को मैं आह्वान करता हूं और तमाम उन वर्ग को आह्वान करता हूं, उन गार्जियनों को जो अपने बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, इतने लाखों हजारों खर्च कर रहे हैं, आपके बच्चों का भी भविष्य बर्बाद होगा, हम लोगों का 22 साल बर्बाद हो गया, हम लोग एग्जाम अब दे नहीं पाएंगे, मनोज भैया एग्जाम अब दे नहीं पाएंगे, हमारा उम्र खत्म कर दिया, तो हमारी बातों को गंभीरता से लेना है साथियों, और ये 8 तारीख और 10 तारीख का जो झारखंड बंद है ऐतिहासिक होना चाहिए, जो भारत में ऐसा बंदी कभी नहीं हुआ था उस तरह से बंदी होना चाहिए, और मैं कहना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से अंतिम बार कि ये जो आंदोलन पूरी तरह संवैधानिक होगा और ये झारखंड यूथ एसोसिएशन इस बार बढ़ चढ़ करके भाग लेगा और झारखंड स्टेट यूनियन भी बढ़ चढ़ करके भाग ले रहा है, तो झारखंड यूथ एसोसिएशन कभी भी किसी भी अपशब्द का और बाहरी भीतरी का खंडन करती है, और जो इस तरह से गैर जिम्मेदाराना हरकत करेगा उसे आंदोलन से बाहर कर दिया जाएगा आने वाले 8 तारीख को और 10 तारीख को। धन्यवाद। मंत्री पर आप इतने आरोप लगा रहे हैं, उनका तो 100 शक्तिशाली व्यक्ति में नाम आ गया, आप क्या आरोप लगा रहे हैं? तो 100 शक्तिशाली यदि वो सर्वे इसका भी करा ले, झारखंड से करा ले, तो हम लोग उसको 100 शक्तिशाली व्यक्ति में नंबर 1 में रखेंगे, शोषण करने वाला, युवाओं को शोषण करने में, लाठी चलाने में, केस मुकदमा करने में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अव्वल नंबर में उनको हम देते हैं, क्योंकि झारखंड में 22 साल में 11 मुख्यमंत्री हो चुका है, 11 मुख्यमंत्री में सबसे नाकारा, निकम्मा और नालायक मुख्यमंत्री, अशिक्षित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को माना जाएगा। धन्यवाद। JSSU झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन पूरे राज्य भर में कई आंदोलन का ऐतिहासिक सफल बनाया है, लेकिन ये सरकार अभी तक हमारी मांग पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है, कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, उल्टी आंदोलनकारी छात्रों पर फर्जी मुकदमा, लाठी डंडा गोली मार के जो है कि हमेशा दबाने का कोशिश किया है, इसीलिए आज हम लोग एक बार पुनः एकदम मजबूरन होकर न चाहते हुए फिर से हम लोग निर्णय लिए हैं कि 60-40 नियोजन नीति के विरोध में आगामी 8 अप्रैल 2023 को यही मोराबादी मैदान में हम लोग इकट्ठा होंगे और यहां से मुख्यमंत्री आवास तक हम लोग घेराव के लिए जाएंगे, और उस दिन मैं आप लोग के मीडिया के माध्यम से राज्य के तमाम छात्रों से हम विनम्र अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप लोग पूरे कोने कोने से आकर चट्टानी एकता का परिचय दीजिए, क्योंकि यह राज्य सरकार इतना सत्ता के नशे पे चूर है
और आप तमाम लोग जानते हैं कि राज्य में अभी तक झारखंड का इतिहास में सबसे ज्यादा रिक्त पद है। 3.5 से 4 लाख रिक्त पद पड़ी हुई है और इतने भारी मात्रा में नियुक्ति होना है। अगर ये तमाम रिक्त पदों में अगर 60-40 नियोजन नीति के तहत बाहरी लोग आएंगे तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि झारखंड के पूरा सरकारी तंत्र गुलाम हो जाएगा और यहाँ के झारखंडी जो छात्र नौजवान है उसका जो सपना है आप अपना परिवार का सेवा करने का, अपने माँ बाप का सेवा करने का और इस राज्य का सेवा करने का, ये तमाम सपना चूर चूर हो जाएगा। और इसीलिए आप लोग तमाम लोग एक बार फिर से चट्टानी एकता का परिचय दीजिए और यहाँ की सरकार जो बार बार कह के बचते हुए निकलती है कि आंदोलनकारी बीजेपी प्रायोजित है, विपक्ष प्रायोजित है, हम उसका स्पष्ट करना चाहते हैं। आप लोग के चैनल के माध्यम से आप लोग कैमरा को और थोड़ा सा अच्छे से इन रहनुमाओं को दिखाइए कि छात्र लोग पॉलिटिक्स और राजनीतिक्स का गेम खेलने नहीं जानते हैं। यही झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार जब आदरणीय गुरुजी मुख्यमंत्री थे तो भाजपा से मिलकर सरकार बनाई थी। यही जब अर्जुन मुंडा भाजपा का जब मुख्यमंत्री बने थे तो जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन और सहयोग से सरकार बनाए थे। ये लोग का काम है आजसू भाजपा जेएमएम कांग्रेस का राजनीतिक गेम खेलने का और पॉलिटिक्स गेम खेलने का। छात्र लोग शुद्ध रूप से आंदोलन कर रहे हैं, जब समाधान की जरूरत होती है तो वार्ता के लिए भी जाते हैं और यदि वार्ता से हमारा समाधान नहीं होता है तो लाठी खाएं, डंटा खाएं, FIR खाएं, गोली खाएं, बारूद खाएं, हम लोग पीछे भी नहीं हटते हैं। चूंकि ये झारखंड राज्य हम लोग का बहुत त्याग बलिदान कुर्बानी से मिला है और अभी वर्तमान स्थिति में जो पॉलिसी आया है 60-40 उसका मैं पुनः एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा घातक है हमारे राज्य के लिए। चूंकि 60 जो है ये 60 पूरा बाहरी का महामिश्रण है, यहाँ इसका जो है कि एक भूमि दस्तावेज के आधारित स्थानीय नीति परिभाषित करके 60% नहीं दिया जा रहा है। यहाँ जो जन्म हुआ कहीं का रहे वो झारखंडी, यहाँ जो शिक्षा प्राप्त किया कहीं का रहे वो झारखंडी, वो भी 60% में आएगा। यहाँ जो जिसका माता पिता यहाँ नौकरी किया या प्राइवेट या गैर सरकारी से राजस्व भरा तो वो भी झारखंडी। तो ये तमाम लोगों का महामिश्रण है 60% में और 40% शुद्ध रूप से बाहरियों का है। अगर इसके तहत नीति बनेगी तो हमारा सरकारी तंत्र निश्चित ही गुलाम हो जाएगा आने वाले दिनों में। इसीलिए हरगिज हम लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। हम बार बार कहते हैं कि यह सरकार को जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 का धारा 85 के तहत यह राज्य सरकार को अधिकार है कि अविभाजित बिहार के समय बिहार सरकार का जितने भी गजट है, संकल्प है, जो भी है उसको जो है कि अंगीकृत कर सकता है। तो क्यों 3 मार्च 1982 का जो पत्र संख्या 50/14/81-86 है जिसमें नियोजन नीति और स्थानीय नीति परिभाषित किया गया है, जिसमें जिला के आधार पर स्थानीय नीति परिभाषित किया गया है, जिसमें जिस जिला में जिसका पूर्वजों का नाम या उसका नाम अंतिम सर्वे सेटलमेंट में जिसका नाम है उसी को उस जिला का स्थानीय माना गया है और उसी के तहत नियुक्ति होता है, तो इसको क्यों नहीं अंगीकृत किया जा रहा है। इसलिए हम आज मांग करते हैं कि जो बिहार सरकार का पत्र संख्या 50/14/81-806 है 3 मार्च 1982 का, उसको इस संशोधन के साथ अंगीकृत कीजिए कि जहां जहां बिहार शब्द का प्रयोग किया गया वहां वहां झारखंड शब्द का प्रयोग करिए और जहां जहां पटना शब्द का प्रयोग किया गया है वहां वहां रांची शब्द का प्रयोग करिए। और संकल्प संख्या 271/2016 के तहत जो स्थानीय व्यक्तियों का परिभाषित किया गया जिसके तहत स्थानीय प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है झारखंड में, इसको संशोधन करिए और सिर्फ जो है कि यहाँ पहला नंबर तो नीति बना जाए और अगर किसी का खतियान भुला गया है, कोई भूमिहीन है, तो उसके लिए ग्राम सभा का प्रावधान किया जाए और जो लोग 2000 से 20-25-30 साल पहले आए हैं, जो यहाँ सच में बसना चाहते हैं, जो यहाँ की भाषा संस्कृति रीति रिवाज को जानते हैं, उसको जो है कि सर्वे करिए और उसे सर्वे करके उस लोगों को चिन्हित करके अपना NOC मांगिए, अपना राज्य से राज्य परित्याग प्रमाण पत्र लाएगा और झारखंड में उसका स्वागत है। ये नहीं कि गुजरात में भी लाभ लेंगे, झारखंड में भी लाभ लेंगे, बिहार में भी लाभ लेंगे, झारखंड में भी लाभ लेंगे, उड़ीसा में भी लाभ लेंगे, झारखंड में भी लाभ लेंगे, ये नहीं चलेगा। चूंकि झारखंडियों को झारखंड के सिवाय और कहीं कोई लाभ नहीं मिलता है, इसीलिए हम लोग को भी झारखंडियों के लिए झारखंड